क्या होता है उसमें इतनी शर्त होनी जरूरी है। हाँ वो तो आवश्यक है, नियम के अनुसार काम होना चाहिए। इतना बड़ा राशि होगी तो सीधी सी बात, उसमें कोई लक्ष्मीचंद सावन कॉलोनी जैसलमेर आज से 15 साल पहले से ये स्थापित हुई और नगर पालिका ने इसके विकास के नाम पे पैसा भी ले लिया हमसे। आज यहाँ नगर पालिका इस सावन कॉलोनी क्षेत्र में कम से कम 1000 परिवार निवास कर रहे हैं और वो खुले में शौच करते हैं या किसी ने थोड़ा बहुत बना भी रखा है तो वो है जो पानी सीवरेज का पानी बाहर जाता है। सबसे महत्वपूर्ण काम पानी का जो है, एक एक लोटे के लिए एक एक गिलास के लिए है जो हम तरस रहे हैं, जबकि यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब है जो पूरा पैसा दे रही है और यहाँ राज्य सरकार जल जीवन मिशन के पैसा खर्च कर रही है, लेकिन इस कॉलोनी के नाम पे 0% पे काम हो रहा है। हम भी सुन रहे हैं कि कुछ भी काम हो रहा है, लेकिन अब 3 साल से तो मैं भी रह रहा हूँ, कुछ लोग 15-15 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उस पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। 800 रुपए में यहाँ पर है जो पानी का टैंकर आता है, एक परिवार का महीने का खर्च कम से कम है जो 3-4 हजार रुपए पानी के बिल पे हम खर्च कर रहे हैं। इस कमेटी को आवंटन हुए तो 15 साल हो गए, इसमें पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, मूल जितने भी समस्या कोई समस्या नहीं, गांव से बहुत बुरे हाल है। 25 आदमी की कार्यकारिणी घोषित कर दी, आज चुनाव हुए और कल 2 दिन में हम रजिस्ट्रेशन करवा के नगर पालिका से मिलेंगे, कलेक्टर से मिलेंगे, मूल सुविधाएं जो भी सुविधा है वो अभाव है उससे मिलेंगे। 15 साल में कोई सुविधा नाम की चीज नहीं, लाइट, रोड, पार्क सब खंडर बन गए, नालियों का पानी है जो सब पार्कों में जा रहा है, मच्छर, सफाई की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं, सब अव्यवस्था ही है, क्योंकि उस बाबा बावड़ी है, अनोथराइज है, वहाँ सीवरेज है, पानी है, लेकिन हमारी हमने पेकास के पैसे भाई, उसके बाद हमारे पास सुविधा कुछ नहीं है। उसके लिए हम उसके संघर्ष करेंगे, उसके लिए हम आंदोलन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करेंगे।